राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह हो चुकी है और चलिए ठाकुर जी को नींद से जगाते हैं। ये देखिए ठाकुर जी सो रहे हैं। अब धीरे से इनकी रजाई थोड़ी सी नीचे करेंगे क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। रजाई से बाहर नहीं करेंगे उन्हें, वरना सर्दी हो जाएगी। ये देखिए ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए माँ जी सो रही हैं। सुबह ठंड बहुत थी और यहाँ पे बच्चे भी सो रहे हैं। छोटा वाला बेटा मेरा जग गया है, लेकिन उसने भी रजाई ओढ़ ली है। अब बिस्तर वगैरह सब तह लगा कर रख देते हैं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। चलिए चाय बना लेते हैं। यहाँ चाय बन रही है। चलिए सबको चाय देकर आते हैं। यहाँ पर लेटी हुई है हमारी सासू माँ, इनके लिए लाए हम चाय। मैं इन्हें माँ जी बोलती हूँ, इसलिए मैं आज से इन्हें माँ जी ही बोलूंगी वीडियोस में। पतिदेव हमारे चले गए हैं कमरे में, तो उनको कमरे में ही चाय चाहिए क्योंकि वो ठंड लग रही थी उनको कुछ ज्यादा ही। ये लीजिए चाय पी लीजिए, मैं भी अभी आ रही हूँ। ये पापा से किस बात की रिक्वेस्ट हो रही है? बताओ ना। पापा मना कर रहे हैं, ठंड बहुत पड़ रही है इसलिए बाहर नहीं जाना है। कैसे कैसे बनी है चाय? रात दूध जल गया था ना। इतनी बेइज्जती ना करें हमारी, इतनी बुरी बेइज्जती ना करें हमारी। हम क्या करें, दूध जला दिया था। जी को देकर आते हैं। बाबा जी अपने रूम में लेटे हुए हैं। ये देखिए बाबा जी चाय, ये आपकी चाय रखिए। ये हम लोग सुबह बैठकर चाय पी रहे हैं। झाड़ू पोछा कर लेते हैं। ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ।
ये मेरी माँ जी निकाल रही है मक्खन, देखिए। और बाबू मेरा पहनेगा जूते। आज हमारे यहाँ बन रही है पत्ता गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी आलू की और बाजरे की रोटी। देखिए देखिए माँ जी बना रही हैं पत्ता गोभी आलू की सब्जी। अब डाल दिया इसमें अदरक और प्याज। तब माँ जी ने डाल दिया, जब अदरक मिर्च भुज चुके हैं अच्छे से, उसके बाद माँ जी ने डाला है ये पत्ता गोभी। अब इसे भी अच्छे से तेल में ही फ्राई करेंगी पहले, उसके बाद डालेंगी हल्दी नमक मिर्च। ये देखिएगा पत्ता गोभी फ्राई हो चुका था, उसके बाद माँ जी ने इसमें डाल दी हल्दी और मिर्च और नमक, सब चीज़ डाल दिया उसी तरीके। ये डाल दिए इसमें आलू, अब इसमें इसको ढक देंगे। ये देखिए सब्जी बन चुकी है और इसमें धनिया डाल दिया है मैंने। अब हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। ये देखिए बाजरे की रोटी बन रही है यहाँ पे। पहले मैं इसका आटा लगा रही हूँ, उसके बाद फिर रोटियाँ बनाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है बाजरे की रोटी। ये देखिए बाजरे की रोटी बन चुकी है। ये देखिए ये मेरा छोटा बेटा अपने पापा जी को खाना देने जा रहा है। ये बाबा जी खाना खा रहे हैं। ये मैं सबको दूध दे रही हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। चलिए मिलते हैं आपको हम अपने अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।